हेलो फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारी कंपनी द कंपनी वी आर एल नॉट दिस कंपनी कंपनी टाइप्स इंडस्ट्री बट द कंपनी वी कीप जिन लोगों के साथ हम उठते हैं बैठते हैं अपनी बातें शेयर करते हैं और जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन आर लाइफ क्योंकि बहुत लिमिटेड हमारी नॉलेज होती है लिमिटेड हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत लिमिटेड हमारी परसेप्शन होती है और इस लिमिटेड परसेप्शन को ओवरकम करने के लिए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं बहुत बार हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी एडवाइजेस पे वो किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं किस तरीके से हमें समझा रहे हैं और सिर्फ समझाना ही नहीं वो जो कर रहे हैं वो जिस तरीके से खाते हैं बैठते हैं उठते हैं बात करते हैं वो भी हमें इन्फ्लुएंस करता है यानी कि बहुत ज़रूरी है हम अपनी कंपनी को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि थिंकर्स का भी ऐसा कहना है और साइकोलॉजी के अंदर भी ऐसे ही रेफरेंसेस आते हैं जहाँ पे बताते हैं कि जिन पांच लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वो वो लोग होते हैं जिनके जैसे आप बनते चले जाते हैं धीरे-धीरे ऐसा आपने अक्सर महसूस किया होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति की बहुत बुराई कर रहे हैं ऐसा होता है ना घर में रह रहे होते हैं और कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है हम उसकी बहुत बुराई कर रहे हैं लेकिन आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे कि आप उसके जैसे बन जाते हैं बातों में या कुछ उसी के सोच में वैसे बन जाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छाई में या बुराई में वो भी किसके -किस कैसी कर रहे हैं चाहे अच्छाई कर रहे हैं चाहे बुराई कर रहे हैं लेकिन हम किस बारे में सोच रहे हैं किस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उसकी किस क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं और हम किसके -किस साथ रह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बनता है क्योंकि तो हम हैबिट्स लेते हैं ले हमारा कैरेक्टर बन जाता है और बाद में वही हमारी पर्सनैलिटी भी बन जाती है और फिर हम सोचते हैं कि अरे हमें तो कुछ और बनना था हम ये कैसे बन गए तो वो एक्चुअली एक दिन में नहीं होता वो धीरे धीरे छोटे छोटे, छोटे बातों से छोटी छोटी सजेशन से छोटी छोटी एडवाइस से आप वैसे बन जाते हैं तो यानी अगर हमें अपने आप को बनाना है अच्छा, बेहतर या और जिस जिस भी रूप में आप तो पांच साल बाद देखती हूँ कि मुझे क्या होना है एक, एक मेरे आगे एक पिक्चर होनी चाहिए ना कि क्या होना है ठीक है जो होगा वो तो अलग बात है लेकिन मेरे को पता तो मुझे क्या होना है और वो होने वाले जो हमारा एक पिक्चर है अब मैं उस पिक्चर के अंदर क्या उन लोगों को देख पाती हूँ कि जिनके जैसी मैं बनना मतलब जिनके साथ मैं रह रही हूँ बनूंगी तो मैं उनके जैसी ही ना जैसे जिनके साथ आप रह रहे हैं बनेंगे तो आप उनके ही जैसे क्यों क्योंकि तो धीरे धीरे सपोज कोई एक इंसिडेंट हुआ कोई इवेंट हुआ और उन्होंने आके कह दिया अरे ये तो बहुत बुरा हो गया बहुत परेशानी भरा बात हो गई अब हम कैसे करेंगे आप इतने ज्यादा दुखी थे भी नहीं लेकिन तुरंत आपके मन में क्या विचार आया बात तो सही है है ना कैसे होगा एक एक आपके भीतर वही पर शायद कोई दूसरे व्यक्ति से आप बात करते तो वो दूसरा व्यक्ति आपको बोल देता अरे कोई बात नहीं ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है ये तो अक्सर आ, आ जाती है जीवन में हमने तो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को पार किया है मिल कोई प्रॉब्लम नहीं है वी फेस इट इट और यू नो कैन डू तुरंत आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है एक आशा का संचार होता है कि हाँ करा तो जा सकता है ना लेट लेट्स डू इट सिर्फ किसी की दो बातें आपके अंदर पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म ला, ला सकती हैं जब तो यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप किस लोगों के साथ रह रहे हैं अगर आप पेसिमिस्टिक लोगों के साथ रह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं कि जिनके साथ आप जब रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके शरीर से एनर्जी खत्म हो गई या आप थक गए अगर ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं वॉच इट क्योंकि अगर ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी खत्म होती जा रही है आपको भी नहीं हो रहा और आप थकते जा रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि आप चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं कुछ जस्ट आपकी एक चॉइस आप किस कंपनी में है वो आपकी ये सारे रिजल्ट कर रही है उसी की जगह पर अगर आपने एक सही कंपनी चुन ली होती तो ऐसा होता है ना किन्नी दोस्तों के साथ किन्नी रिलेटिव्स के साथ या आ, के साथ आप बैठते हैं और बैठते के साथ ही आपके हैं ये करते हैं, आते हैं। तो वो कौन है? वो है जिनके साथ आप रहते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है आपके अंदर इंस्पिरेशन आती है आपके अंदर एक उत्साह एक आता है जिंदगी को जीने का कुछ करने का उन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए क्योंकि अगर हमारे जीवन में उत्साह ही नहीं है ना उमंग ही नहीं है कि हम आगे बढ़ के क्या करें वो जो एक ना इंस्पिरेशन मोटिवेशन टर्म्स बड़ी हैं लेकिन जब हम जो चीज़ महसूस करते हैं वो अगर हमारे साथ है तो हमें खुद में भी मजा आता है और हमें अचीवमेंट्स भी मिलती जाती हैं एक के बाद एक के बाद एक तो इसीलिए कंपनी सही होना बहुत जरूरी है आज ही अपने आसपास चेक कीजिए है ना एक, एक, एक को होता है ना मीटर मीटर लगा के वो कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है लेकिन जस्ट आपके आपकी एनर्जी लेवल ही बता देगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है अगर आप मिलते ही उदास थके हुए और बेउमंग हो जाते हैं या जैसे कहना चाहिए ना आपके अंदर एक नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आ जाती है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या व्यक्ति का उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ रहा है वहीं पे जिस व्यक्ति के साथ मिलके बैठ के आपके अंदर नए विचारोच आए कि मुझे ये करना है तो वहां पे आपको पता चल गया और अब आप ऐसे पांच व्यक्ति चुनिए जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है जो आपको बेहतर बनाते हैं एक बेहतर इंसान एक बेहतर प्रोफेशनल एक बेहतर दोस्त एक बेहतर पारिवारिक व्यक्ति जो भी जो आपको बेहतर बनाते हैं अगर आप उन पांच व्यक्तियों के साथ अपना ज्यादा समय बिताते हैं तो अल्टीमेटली बिना कुछ करे बिना एक रत्ती भर भी एफर्ट डाले और बिना रियलाइज करे धीरे धीरे आप बेहतर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंस दैट अदर्स हैव ऑन अस एंड दिस इन्फ्लुएंस व्हेन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता चला जाता है कहते हैं ना वो सिल्वर रसरी आत जात है 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 ना तो जो रस्सी जब उस सिल पे पत्थर पे भी भी बार 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 आती जाती है, वो उसमें गड्ढा कर देती है निशान बना देती है तो वही जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी लाइफ में आते हैं ना धीरे धीरे रोज रोज छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे बॉडी लैंग्वेज से छोटे छोटे जेस्टर्स से हो सकता है कई लोग आपको बुरा महसूस करवा देते हो छोटे से जेस्टर से अच्छा तुम करोगे ऐसा कह के और आप आपको पता भी नहीं कि कैसे उनकी छोटी सी बात आपके मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी घर कर गई उन्होंने छोटी सी बात बोली लेकिन आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई क्या मैं कर सकती हूँ क्या मैं कर सकता हूँ तो वो छोटी छोटी बातें जब बहुत बार दोबारा दोबारा आती हैं, वो हमारे एटीट्यूड में चेंज ले आती हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस में चेंज ले जाती हैं